हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और सोयाबीन की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और इजी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में मैंने सोयाबीन को बॉईल करके रख लिया है और यहाँ मैंने मसाले को, सूखे मसाले को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लिया है। ये जीरा और धनिया का पाउडर है। मैंने सब्जी मुझे जितना बनाना है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े मसाले को मिक्स कर लिया है। जैसे कि मसालों में मैंने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। सारे मसालों को मैंने मिक्स करके इसमें पेस्ट बना लिया है। और यहाँ मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च, गोटा जीरा, लाल मिर्च के छोटे टुकड़े, क्योंकि मैंने मसाला में लाल मिर्च का पेस्ट यूज़ किया इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ। तेज़पत्ता गोटा मसाला में मैंने यूज़ किया है। दालचीनी, दो इलायची, एक लौंग और यहाँ दो उबले आलू ली हूँ और धनिया पत्ता और टमाटर को बारीक से काट लिया है। और मैं गैस गर्म करने के लिए रख चुकी हूँ और ये गर्म भी हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे तेल, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया। अब मैं सोयाबीन को इसमें डालूंगी। सोयाबीन को बॉईल करने के बाद इसे मैंने स्ट्रेनर में ड्रेन किया और उसके बाद सोयाबीन को अपने हाथ से प्रेस करके इससे इसमें जो पानी है उसे मैंने निकाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोयाबीन जो है अब लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब वापस से मैं इसी कढ़ाई में तेल डालूंगी, हल्का तेल, आलू को फ्राई करने के लिए। इसे मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ये बॉइल्ड आलू को क्रश करके उसमें तेल में डाल देंगे। बस ऐसे ही क्रश करके मैं इसे तेल में फ्राई करने के लिए डालूंगी। और अभी मैं इसे आंच को कम कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आलू भी अब ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको भी प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को निकाल लिया प्लेट में और अब वापस से मैं इस कढ़ाई में तेल डालूंगी। बट इस बार मैं ज्यादा तेल नहीं यूज करूंगी, बहुत हल्का तेल यूज करूंगी क्योंकि आलू और सोयाबीन पहले से ही मैंने फ्राई कर लिया है। तेल में ही, और अब मैं इसमें दो चम्मच के बराबर तेल डाली हूँ। ये तेल गर्म होते के साथ इसमें मैं ये सारी चीजों को तेल मैं डाल दूंगी। ये तेजपत्ता, ये जीरा, ये लाल मिर्च, हरी मिर्च, प्याज और ये गरम गोटा मसाला जो मैंने लिया है। मैंने ज़्यादा मसाला, गोटा मसाला यूज़ नहीं किया है, हल्का ही यूज़ किया है। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इन सारी चीज़ों को इसमें डाल दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज जो है वो ब्राउन होने लगा है।
थोड़ा सा और इसे गलने देंगे, उसके बाद प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मसाले को डाल दिया है। अब हम इन मसालों को फ्राई करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने इसी मसाले में स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया था एक साथ ही, मसालों के साथ ही डाल दिया था ताकि जब मैं इसमें टमाटर डालूं तो ये अपने आप गल जाए। अब मैं इसे इसमें टमाटर डालूंगी ताकि मसालों के साथ भून भी जाए और टमाटर गल भी जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टमाटर और धनिया का पत्ता जो मैंने काट के रखा था, हल्का ही मैंने जितना अमाउंट में धनिया पत्ता लिया था उसका आधा मैं इसमें डाली। और अभी आंच को थोड़ा हाई कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के लिए और ये थोड़ा पक जाए तेल को दे मसाले, उसके बाद में उसको पानी डालूंगी। तब तक के लिए मैं आंच को कम कर देती हूँ, लो मीडियम करके मैं उसको ढक दूंगी, कवर कर दूंगी। कुछ मिनट बाद, एक मिनट बाद या आधे मिनट बाद मैं लीड हटाकर चेक करूंगी मसालों का क्या कंडीशन है, कहीं गला तो नहीं है। इससे ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर जो है अब गलने लगा है, गलना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह से गल जाए और अच्छी तरह से गल जाए। और इसे मैं वापस से एक मिनट में ढकूंगी, कवर कर दूंगी। फ्रेंड्स, अब इस कवर को हटा कर देखूंगी मसालों का कंडीशन क्या है। अब आप आंच को थोड़ा हाई करके मसालों को भून लीजिए। और इसमें जो फ्राई करके आलू और सोयाबीन को मैंने रखा है मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। मसाले में मैं मिक्स करूंगी, और अब मैं इसे कवर करूंगी गैस का फ्लेम को लो मीडियम करूंगी और इसे वापस से आधे से एक मिनट तक ढक के रखूंगी ताकि नमक जो है वो आलू में और सोयाबीन में एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं ये लीड उठा के देखूंगी। मसाला अच्छे से भून गया है, सारे मसाले आलू और सोयाबीन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हो सूखा जाए, या फिर इसमें पानी भी मिक्स करते हो। मैं पानी मिक्स करूंगी
ऊपर से कवर करूंगी। फ्रेंड्स अब मैं लीड हटाऊंगी और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सब्जी आलू सोयाबीन का सब्जी रेडी हो गया है। और इसे ठंडा होने के बाद से मैं सर्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स आलू और सोयाबीन की सब्जी रेडी है और मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है ताकि कोई भी अगर कोई बैचलर भी है तो वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। और अब मैं इसे सर्व करूंगी रोटी के साथ। आप चाहे तो रोटी पूरी पराठा।